नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। ये तो हिंदू कैलेंडर के सभी महीने शुभ होते हैं, लेकिन इन 12 मासों में से एक महीना ऐसा भी है जिसकी शुभता और पवित्रता सबसे विशेष मानी जाती है। वह महीना है कार्तिक महीना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने को देव महीना भी कहा जाता है और इस महीने की पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शैव और वैष्णव दोनों मतों को मानने वाले के लिए इस महीने का खास महत्व है। वहीं इस महीने को सिख धर्म के लिए भी काफी अहम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को आपको बता दें कि कार्तिक महीने की शुरुआत हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही हो जाती है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही खत्म हो जाती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 19 नवम्बर 2021 को है और इसी के साथ कार्तिक का शुभ महीना खत्म हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन खुद देवगण पृथ्वी लोक पर आकर गंगा स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, यह दिन देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के कुछ और विशेष महत्व और गंगा स्नान के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवता खुद धरती पर आकर पवित्रतमा गंगा नदी में स्नान करते हैं। एक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से भी यह जुड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक पांडवों ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार शुक्ल अष्टमी को गंगा में स्नान करके एक यज्ञ की शुरुआत की थी, जो कि पूर्णिमा से एक दिन पहले तक की गई थी, और रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उन्होंने दीप दान किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने और दीप दान करने की परंपरा चली आ रही है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन गंगा स्नान करने का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 2:29 तक है। माना जाता है कि इस एक दिन गंगा स्नान करने से साल भर का फल मिलता है। अगर आप गंगा नदी में नहाने नहीं जा पाए तो भी आप घर पर ही शुद्ध जल में गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। नहाने के बाद दान देने का रिवाज है। इस दिन चावल का दान करने से पुण्य मिलता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण और तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने वालों को मान्यता के अनुसार सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसके पीछे का कारण। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया था। तब से वे त्रिपुरारी कहलाए और इस पूर्णिमा का नाम त्रिपुरारी पूर्णिमा हो गया और इस खुशी में देवताओं ने दीप जलाए। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा चलती आ रही है। वहीं सिख धर्म के लोगों के लिए भी यह दिन बहुत पवित्र होता है, क्योंकि इस दिन सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन गुरुवाणी सुनी जाती है। यह दिन प्रकाशोत्सव और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। शाम के वक्त चंद्रमा निकलने पर शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुईया और क्षमा नाम के 6 तपस्विनी कृतिकाओं की पूजा करनी चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन चांद के निकलने का समय शाम के 5:28 के लगभग है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।